सॉरी अनुपमा, आई एम रियली सॉरी अनिरुद्ध की वजह से आज। नहीं 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 नहीं, गलती तुम्हारे पति की नहीं है, गलती तुम्हारी है। न तू यहाँ आती और न तेरा पति यहाँ आके तमाशा करता। माँ, इसमें काव्या की क्या गलती है? नहीं नहीं, गलती हमारी है। हम ही हर एरे गेरे को हमारे परिवार की खुशियों में शामिल कर देते। उस दिन वो किंजल की माँ आई और रंग में भंग डाला, और आज इसके पति ने, पता नहीं अब ये सारे जान पहचान वाले हमारी जान लेंगे क्या? माँ प्लीज, I'm really sorry everyone। माफी वो मांगता है जिसकी कोई गलती हो, और तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया है काव्या। और ये तो कभी भी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते। वो तो कान्हा जी की कृपा से जो कुछ भी हुआ घर के अंदर हुआ, अगर बाहर होता तो पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें बनाते। पता नहीं क्यों हमारे समाज में लोग हमेशा औरत पे ही उंगली उठाते हैं। सब ये देखते हैं कि वो अपने पति से अलग रह रही है। क्यों रह रही है, किस लिए रह रही है, क्या मजबूरी है, किस वजह से रह रही है, ये कोई नहीं देखता। I think I should go now। नहीं नहीं, अकेले मत जा, ये तुम्हें छोड़ाएंगे। हाँ, आप इसे छोड़ाइए। नहीं नहीं अनुपमा, मैं चली जाऊंगी। काव्या कहाँ अकेले? अनुपमा प्लीज लेट मी गो। ठीक है, पर घर पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ काव्या, मैं जानती हूँ हाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, पर बस इतना याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं हमेशा। कभी भी कोई परेशानी हो या मन उदास होने तो बिना हिचकिचाए निसंकोच यहाँ चले आना। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। ये भी तुम्हारा ही घर है हाँ काव्या? थैंक यू। बहू, ऐसे साथ दिए बनाना। अब पूरे घर की नजर उतारूंगी, पता नहीं किसकी काली नजर हमारी खुशियों पर लग गई है। वैसे तू भी कुछ कम नहीं है, क्या जरूरत थी काव्या को घर लेकर आने की? ये सब तुम्हें ही सोचता है, पर ऐसे सखी सहेली बनने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी मासी की लड़की नहीं लगती जो उसके लिए घर के दरवाजे खोल रखे। क्या कहा था कि तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे? बा, ऐसे वक्त में एक औरत औरत का सहारा नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? और सोचिए, हम सब तो एक साथ हैं, फिर भी कोई भी परेशानी आती है तो वो इतनी बड़ी लगती है, और वो तो बेचारी अकेली है। लीजिए बा, बन गए दिए, उतार लीजिए घर की नजर। रुबा, काव्या के नाम की भी नजर उतार लीजिए। हाँ अनुपमा, अच्छा किया जो तूने अनिरुद्ध को सुना दिया। पर एक बात पूछूं? पूछिए ना। तुम्हारे मन में तो कुछ नहीं है ना? किस बारे में बा? वही जो उसने वो बात की ना, वो अफेयर के बारे में। देख, एक माँ का विश्वास कभी नहीं टूटता, पत्नी को तो शक होता है ना। अगर वो बात अब तक मुझे खाए जा रही है तो तुझे तो और भी चुपती होगी ना। चुपी
बहुत चुभे, किसी भी पत्नी को चुभेगी, लेकिन मेरा विश्वास इन पे इतना कच्चा नहीं है कि किसी के भी कुछ भी कहने से टूट जाएगा। मैं अपने पति को दुनिया की नजर से नहीं, अपने मन की नजर से देखती हूँ। और रही बात काव्या के पति की, तो मैं तो उन्हें जानती भी नहीं, तो मैं उनकी बात मानूंगी या अपने मन की? और मेरा मन कहता है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकते। देखा, सास अच्छी हो तो बहू भी अच्छी बन ही जाती है। चल। वो रोज मिल्क शेक बनाया था, आपको पसंद है ना? वो आपको गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है ना? तो मैंने सोचा है कि पंखुड़िया मैं आपके तकिए के पास रख दूंगी, नींद अच्छी आएगी। अनु, फिर से है नवेली पत्नी साथी सखी माँ। आपने गलती से कहा या सच में मुझे अनु चुटी काटी है? अनु, थैंक्स। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। क्यों नहीं होगा? दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो इससे पड़ता है। मुझसे सवाल पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें है। मुझे आपसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल तो वहां करते हैं जहां विश्वास नहीं। अनिरुद्ध एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ आदमी है। डिवोर्स में सब कुछ उसके फेवर में हो जाए इसलिए वो काव्या का नाम खराब करने में तुला हुआ, और जब कोई वजह नहीं मिली तो मुझ पे और काव्या पे कीचड़ उछाल रहा है, क्योंकि हम लोग साथ में काम करते। मैं समझती हूँ, अनु, मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ, तुम पर चिल्ला देता हूं, लेकिन आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकते, कभी नहीं। जानती हूं मैं। थैंक यू मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। तुम्हारी जगह कोई और होती तो या तो वो अपने मायके चली गई होती या फिर मैं जेल में। मेरी जगह कोई और हो ही नहीं सकती, और ना ही आप होने देंगे। हमारे बीच में वो है। वो कौन? वही जो किंजल और पारितोष के बीच में, बा और बापूजी के बीच में, राधा और कान्हा के बीच में।